हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ अभी। अभी आज हमारा ये ट्रिक का दूसरा दिन है एंड अभी भी हमें 70 किलोमीटर्स की अभी ड्राइव करनी है एंड बद्रीनाथ की तरफ अभी निकलना है। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30। मैं 4 बजे उठ गया था एंड रेडी हो गया था। नॉक बेल है हमारे जो यहाँ गाइड है वो आके आई थिंक अराउंड 3:50 अराउंड उन्होंने दे दिया था। तो फिर अभी फटाफट से मैं रेडी हो गया हूँ एंड टुडे हमारी आज 70 किलोमीटर्स की एक ड्राइव होगी एंड देन आफ्टर हमारी 3 to 4 किलोमीटर की ट्रैक भी होगी। तो इसलिए आज थोड़ा फर्स्ट जो आज सेकेंड डे है वो थोड़ा अर्ली बिगिन करते हैं ताकि वो जल्दी कवर अप हो पाए। तो आइए चलते हैं, यहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन आफ्टर विल हेड टू आगे हमारी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं तुगासी विलेज के लिए जो कि जोशी मठ से थोड़ा पहले है, रास्ता कटता है एंड हमारा जो बेस कैंप होगा दैट इज द तुगासी विलेज एंड वहाँ से तुगासी विलेज से हम वहाँ रुकने के बाद वहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा दैट इज 3 किलोमीटर जो कि हमारा गुलिंग करके जगह है जो कि हमारा लंच पॉइंट होगा एंड तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो गया सब कुछ एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो स्टेज थे काफ़ी अच्छे थे, ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स करके रखे थे हिमालयन डेयरडेविल्स ने। तो फिर चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हमारी जो जर्नी है 70 किलोमीटर की वो स्टार्ट होगी तुगासी विलेज के लिए और वहाँ से फिर हमें जाना है गुलिंग का। 3 किलोमीटर का ट्रैक है आज का हमारा, काफ़ी शॉर्ट ट्रैक है बट काफ़ी हाइट पे आज जाना होगा। तो चलते हैं, आज के हमारे दिन की यहाँ से शुरुआत हो रही है एंड टुडे इज़ आवर डे टू ऑफ कुवारी पास ट्रैक। यस, इट इज़ द विंटर ट्रैक एंड द नेम ऑफ ट्रैक इज़ अ कुवारी पास। तो आइए चलते हैं अब हम लोग यहाँ से सीधा तुगासी विलेज के लिए। फाइनली वी रीच द तुगासी विलेज एंड फ्रॉम हेयर हमारी जो कुवारी पास का ट्रैक है ये यहाँ से स्टार्ट होता है एंड सुबह हम लोग जोशी मठ से नीचे से चले थे। इट वॉज अराउंड लाइक 60 to 70 किलोमीटर ऑफ ड्राइव और अभी तुगासी विलेज पहुँच गए एंड दिस इज द लास्ट विलेज। यहाँ से कुवारी पास का ट्रैक जो है वो स्टार्ट होता है एंड आज हमारा ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है। लंच के टाइम तक के हमें पहुँचना है हमारे पे वहाँ कैंप साइट पे। तो दिस इज द वे टू द अवर कुवारी पास ट्रैक। तो आइए चलते हैं, ट्रैक स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग हैं कुवारी पास के ट्रैक में और रास्ते में मुझे एक छोटा सा वाटरफॉल दिखा है सो आई डिसाइडेड टू ड्रिंक टू वाटर एंड आई विल नॉट यूज माई हैंड लाइक दैट। परफेक्ट, आई विल डू इट। सो करेंटली वी आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गुलिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर एंड अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं सब लोग। तो यहाँ पे एक मैगी पॉइंट है एंड यहाँ पे ना प्योर ब्रांच की ना जूस मिल रही है। साइंटिफिक नेम देखो इसका, पूरी फ्रेश है ओके। ये कभी एक्चुअली होती है कभी ये फूल? ये अप्रैल महीने में फूल होती है। एंड लुक एट दिस, व्हाट इज इट, द रेड कलर, अमेजिंग। आई टेस्ट इट, अमेजिंग, एनर्जेटिक एनर्जेटिक एकदम प्योर नेचुरल है
कुछ भी इसमें कुछ भी कलर इंटीरियर कुछ भी नहीं मिला, एकदम प्योर। सो फाइनली वी रीच्ड गुलिंग बेस कैंप वन। हम लोग गुलिंग बेस कैंप वन पहुँच गए हैं, एंड जो कि ज़्यादा नहीं थी, इट वॉज़ लाइक 3 किलोमीटर ऑफ ट्रैक, जो कि 2.5-3 घंटे में बहुत स्लोली स्लोली भी किया तो इट विल गेट कवर्ड। तो आज हमारा बेस कैंप होगा गुलिंग बेस कैंप, और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, एंड वी हैव रीच्ड द गुलिंग बेस कैंप। और अभी हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे एंड विल टेक सम रेस्ट, एंड फिर देन कल की ट्रैक जो हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है, मतलब एज़ कम्पेयर टू मतलब इस पूरे मतलब ट्रैक के टाइम पे बोलते हैं कि ये थोड़ा लंबा होता है कल का जो डे 2 होता है यहाँ का। तो चलिए चलते हैं एंड लंच करते हैं। आई विल शो यू माई द कैंप दिस साइड। दिस इज द डाइनिंग टेंट, नहीं दिस इज द किचन टेंट एक्चुअली, दिस इज द किचन टेंट, नहीं कर रहा है, एंड दिस इज द आवर कैंप साइट, एंड दिस इज माउंट द्रोणागिरी। क्या शानदार व्यू है यहाँ से, पूरे स्नो पीक्स दिख रहे हैं यहाँ से। आज की रात हम यही रुकने वाले गुलिंग बेस कैंप पर।